हेलो गाइस, सो आज हम लोग बनाने वाले हैं, मतलब मैं नहीं बनाने वाली लेकिन हमारी तुपोल जी बनाने वाले हैं उनका स्पेशल मटर पनीर। तो ये है उनका इंग्रेडिएंट्स, ये मटर और ये टमेटोस, उसके बाद ये है धनिया जो हम लोगों ने अपने किचन गार्डन से फ्रेश फ्रेश तोड़ के लाया है, धनिया बड़े ही ताजे ताजे। उसके बाद ये ग्रीन चिली एंड पनीर, और ये हम लोगों ने गार्लिक लिया है, गार्लिक और जिंजर वो बॉल में लिया हुआ है, और ये हम लोग का प्याज जिसमें पौधा उगा हुआ है, और ये हम लोगों ने घी लिया है, ये है अन्नपूर्णा का घी। तो हम लोग ये सब इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके आज मटर पनीर बनाने वाले, लेट्स गो। लेकिन इसमें नमक भी है जो दिखाया नहीं है, नमक है और इसके साथ ही कुछ कुछ नमक और मसाला हम लोग डालेंगे, वो आप लोग को बीच बीच में वीडियोस में दिखा दूंगी कि हाँ ऋतुपाल जी ने क्या क्या इस्तेमाल किया है। सो लेट्स स्टार्ट। पनीर को थोड़ा सा स्लाइटली स्टीर फ्राई करने वाले हैं उसे थोड़ा सा लो फ्लेम में। सभी के गार्लिक और जो जिंजर था और जो चिली हम लोगों ने रखा था उसको हम लोग इसमें पेस्ट बनाएंगे, और इसमें बनाने से ज़्यादा टेस्ट आता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ी देर बाद पेस्ट बनाएंगे। और ये पनीर फ्राई हो रहा है, तब तक नेक्स्ट स्टेप अभी जो हम लोगों ने ऑनियन काटा था उसको स्टीर फ्राई करेंगे थोड़ा सा हल्का सा, मतलब पूरा कंप्लीट फ्राई नहीं, बस तो उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके। तो यहाँ पे साथ ही में ये पेस्ट भी बनाया जा रहा है गार्लिक जिंजर का, गार्लिक और ये जिंजर का जो चिली का पेस्ट है वो डाला जा रहा है, और ये इसको भी थोड़ा सा स्लाइट फ्राई विथ ऑनियन के साथ। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप है टमाटर को काट के उसको फ्राई कर रहे हैं ऑनियन के साथ, उसके बाद थोड़ा सा नमक, नमक है हमारा स्वाद अनुसार, और के बाद नेक्स्ट है हल्दी, हल्दी भी डाल देते हैं, ये भी एज पर द टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से। फिर इसको मिक्सिंग टाइम, नाउ मिक्स। नाउ गाइस, ये रहा पेस्ट हम लोगों ने जो फ्राई किया था ऑनियन स्लाइट फ्राई और उसके साथ टमेटो, इसको हम लोगों ने पेस्ट बना लिया आफ्टर डेट। अभी नाउ अभी थोड़ा सा घी, हम लोग इसमें अभी ऑयल यूज नहीं कर रहे, वही कढ़ाई में उसी पैन में हम लोग ने घी डाल दिया, घी मेल्ट हो जाएगा तो हम लोग फिर उसमें जो जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था वो सब, ये देखिए पेस्ट डाल दिया, पेस्ट डाल के हम लोग उसमें फ्राई करेंगे, तब घी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है ना, तो हम लोगों ने घी इस्तेमाल किया इसमें। नाउ अभी हम लोग इलायची, दालचीनी और जो लौंग है उसको कूटेंगे इसमें। लाल मिर्च पाउडर एंड गरम मसाला डाल दिया। अभी नेक्स्ट जीरा पाउडर एक चम्मच, सभी का एक चम्मच ले लिया सभी मसालों का। अभी इसको मिक्सिंग। अभी थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गरम पानी, और इसको हम लोगों ने ये मसाले वाला जिसमें मिक्स किया था उसी में ले लिया, क्योंकि मसाला वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा स्वाद आता है, जो बच जाता है ना उससे ज़्यादा टेस्ट आता है, इसलिए हम लोगों ने उसी का इस्तेमाल करके उसी को थोड़ा पानी डाल दिया, क्योंकि नहीं तो मसाला जल जाएगा ना, तो इसलिए ढक्कन लगा के लीड लगा के एक दो मिनट के लिए हम लोग इसको रख देंगे, थोड़ा सा मसाला वो थोड़ा सा फ्राई हो ले। हमारे कुक साहब, हुआ कि नहीं हुआ जरा बतलाइए। हाँ, ये तो पेस्ट तो अभी रेडी है। अच्छा, इसमें थोड़ा कलर भी आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसमें हम लोग ये जो मटर है ओके डाल देंगे। ओके, कलर तो अच्छा लग रहा है, पेस्ट और मटर का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, ग्रीन विथ ये ऑरेंज जैसा लग रहा है कैमरा पे, पर असली में ये येलो पेस्ट है। नाउ पनीर
ये जो पीसेस हम लोगों ने फ्राई किया था उसको डाल देंगे इसमें। फिर इसको मिक्स करके इसको लीड लगा के इसका पैन का उसके बाद इसको रख देंगे थोड़ा सा मीडियम हीट में, जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा उसके बाद। सो गाइस ये देखिए हमारा फाइनल मटर पनीर दिखने में बड़ा ही खूबसूरत और स्मेल भी अच्छा, और यू गाइस यू शुड ट्राई, बना के देखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इन माय वीडियो।